नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। किसान में जी रहे बच्चे, टूटे झोपड़ी में पढ़ने को है मजबूर। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय के अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र के औरलहा पंचायत वार्ड नंबर 5 स्थित टूटे फूटे झोपड़ी में चल रही संस्कृत विद्यालय में मजबूरी में पढ़ने और डर के साए में जी रहे बच्चे की है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद्यालय का दीवार कई जगहों से टूटा पड़ा है, साथ ही विद्यालय की दीवार टूटने से टूटे फूटे टट्टी लगा कर पढ़ा रही है। वही बनी हुई विद्यालय में लगे टीने की चादर कई जगहों पर साफ साफ टूटी नजर आ रही है। साथ ही साफ देखा जा रहा है कि विद्यालय के पीछे दीवार पट्टी सटे बांस के पिट के साथ जंगल नजर आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए खतरा है, क्योंकि विद्यालय में लगे दीवार और पट्टी ध्वस्त रहने के कारण पीछे लगे जंगल और बांस के पिट से सांप बिच्छू निकलने का डर बना रहता है। आप वीडियो में ये भी साफ देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो खाना बनाया जा रहा है वहाँ के ऊपर का टीना चादर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर टीने की चादर टूटते रहने से आप समझ सकते हैं कि कीड़े मकोड़े और अन्य कोई चीज खाना में पड़ सकता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। देखे है ना, लेकिन कहते हैं विभाग को बोलते हैं, विभाग को बोलते हैं, देखिए क्या होता है, यही आश्वासन देते हैं। बीओ साहब यही आश्वासन देते हैं कि सिर्फ बोल के रह जाते हैं कि देखते हैं। विभाग को बोलते हैं। कितने शिक्षक हैं सर इसमें? 3 ही शिक्षक हैं। विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी 124 है, 23 है नामांकित। अच्छा, मतलब आप लोगों को भवन के लिए कोई अलग से कोई फंड सरकार की तरफ से नहीं आता? कोई फंड नहीं आज तक नहीं। यही हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है, तकलीफ है। कुछ क्या कहते हैं, घर तो है ही नहीं, तो बाउंड्री वाल दीवार तो छोड़िए, बात की बात नहीं है। तो बाउंड्री वाल के लिए कौन क्या मांगेंगे? पहले तो घर रहने के लिए, सर छुपाने के लिए तो आसरा चाहिए, वो ही नहीं है, तो बाउंड्री वाल क्या मिलता है? कितने बच्चे बोले? 123 है। अभी तो घटते बढ़ता रहता है, फिर और आ जाएगा। अभी कितना होगा? 15-10 होगा? 30-35 को बचा होगा। मतलब आप लोगों को सैलरी और ये खाना वाना का सरकार सारी व्यवस्था देती है, लेकिन ये भवन का नहीं देती है? नहीं, भवन का नहीं देती। पता दी। साथ ही कई बार देखा गया है कि विद्यालय के खाने में कीड़े मकोड़े मिलने से बच्चे बीमार भी हो चुके हैं। किसी तरह अस्पताल में इलाज कर बच्चों को बचाया गया। वहीं टूटे फूटे झोपड़ी में चल रहे विद्यालय के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को सरकार की ओर से विद्यालय बनाने के लिए या फिर मरम्मति के किसी प्रकार का कोई फंड नहीं आता है, जिस कारण ये स्थिति बनी हुई है। पदाधिकारी नेतागढ़ आते हैं, देख कर चले जाते हैं। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार विद्यालय के नाम पर क्यों किया जा रहा? जब सरकार द्वारा विद्यालय में शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, बच्चों को खाना दिया जा रहा है, बच्चों को अन्य विद्यालय के तरह सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर संस्कृत विद्यालय को भवन बनाने के लिए या फिर विद्यालय की मरम्मति के लिए सरकार एक सामान्य व्यवस्था लागू क्यों नहीं कर रही है? अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की नज़र इस ओर कब पड़ती है, या फिर ऐसे ही सुशासन बाबू संस्कृत विद्यालय के नाम पर नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर ऐसे ही संस्कृत विद्यालय के नाम पर गहरी नींद में सोए रहेंगे। कानूनी जंग न्यूज़ के लिए सुपौल बिहार से बलराम कुमार की रिपोर्ट।